told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है बारिश के दिन हो गए हैं चालू, और बारिश के दिनों में बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों से स्मेल आने लगती है। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग से हैक्स एंड टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिनका यूज़ करके आप बारिश के दिनों में बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक अपने कपड़ों को, अपने मसालों को, अपने किचन को, अपने घर को, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। कितना स्मेल आ रहा है मेरे कपड़ों में, अब मैं क्या पहनूं, ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दिन चल रहे हैं बारिश के। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आपके कपड़ों में बारिश के दिनों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ अपने वार्डरोब में, क्या ऐसी चीज में रखती हूँ जिससे बारिश के दिनों में भी मेरे कपड़ों से बिल्कुल स्मेल नहीं आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ लौंग जो कि हर किसी के किचन में अवेलेबल होते हैं, ये देखिए। अब ये लौंग को मैं रख दूंगी एक टिश्यू पेपर में, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे रख देंगे वार्डरोब में। तो चलिए मैं आपको वार्डरोब में भी रख दूंगी। तो अब हमारे कपड़ों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। बारिश के दिनों में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा हमें बैग में कैरी करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें बैग में क्या क्या लेके जाना चाहिए। जैसे कि ये प्लास्टिक के बैग्स हैं जो हमेशा बारिश के दिनों में हमारे बैग में रहना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब भी कभी बारिश आ जाएगी तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक हमारे फ़ोन, हमारे क्लचेस, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को हमें इस तरह से प्लास्टिक बैग में रख लेना है। और जो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इनकी वजह से हम अपने फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और मार्केट में भी ऐसे जिप लॉक बैग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों में पैसा नहीं डालती, तो मैं ये पुराने जो प्लास्टिक के बैग्स मुझे मिल जाते हैं कोई चीज़ जब मैं मंगवाती हूँ तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। आप चाहें तो ऐसे जिप लॉक बैग को बाय कर सकते हैं। तो ये सारे बैग्स हमेशा बारिश के दिनों में हमारे हैंडबैग में होने चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमेशा हमें कैरी करनी चाहिए बारिश के दिनों में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, अगर आप ये प्लास्टिक बैग्स लेना भूल जाते हो, अपने बैग में कैरी करना भूल जाते हो, तो देखिए फिर ये हालत हो जाती है हमारी चीज़ों की बारिश के दिनों में। लेकिन इसका भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैंने खुद यूज़ किया है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका फ़ोन पानी में भीग जाए, बारिश का पानी हो या घर में कहीं भी अगर आपका फ़ोन पानी में भीग जाए, तो आप उसे अच्छे से ड्राई टिश्यू से या कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। देन उसके बाद आप 1 से 2 घंटे के लिए उसे डाल दीजिए अपने चावल के डिब्बे में। डालने से जितना भी मॉइस्चर फ़ोन के अंदर है वो सारा जो राइस है ना वो ऑब्जर्व कर लेंगे और आपका फ़ोन पहले की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव सा हैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद आप लोगों के लिए कितना इफ़ेक्टिव रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अब बात करते हैं मसालों की। कभी भी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा मसाले बाय नहीं कीजिए, और अगर आपके पास मसाले एक्स्ट्रा में रखे हैं तो उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है वो हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके जो मसालों के डिब्बे हैं ना उसमें बस थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आपके मसाले बारिश के दिनों में कभी ख़राब नहीं होंगे। ये भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, मैं ये फॉर्मूला लास्ट ईयर से ट्राई कर रही हूँ और ये लिटरली बहुत इफ़ेक्टिव है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा नमक अपने सारे मसालों में डाल दीजिए और ये जो पाउडर मसाले हैं ना कभी ख़राब नहीं होंगे बारिश के दिनों में। और ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा मसाले आप घर में ना रखें, उतने ही मसाले रखें कि जितने बारिश के दिनों में यूज़ होते हैं, फिर बाद में आप चाहे तो अच्छा से मसालों को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बहुत ही सही चीज़ है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस जो रेड बटन है ना सब्सक्राइब वाला वो दबा दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग से हैक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।